पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा का धूम पूरे विश्व में मचा रहता है, जिसकी तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती है। हर गली नुक्कड़, खास तौर पर शहर कोलकाता की बात की जाए तो पूरा शहर रंग बिरंग की रोशनी से जगमगाता नजर आ रहा है। पाक सर्कस सर्वोजनी उद्यापनी क्लब के जरिए दशहरा के मौके पर भारत में पहली बार डिजिटल दशहरा बैक वक्त 600 ड्रोन के जरिए रावण दहन पाक सर्कस मैदान में 200 मीटर के आसमान की ऊंचाई पर किया गया। अनोखी बात यह रही कि इस ड्रोन के रेडियस से बने चित्र हैप्पी दुर्गा पूजा से लेकर रावण दहन तक का मंजरनामा को इसके आसपास के तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर राह चलते मुसाफिर लुत्फ उठाते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस के इतला के मुताबिक डिजिटल रावण दहन का मंजरनामा मां फ्लाईओवर से भी देखा गया, जहां मुसाफिर देखने के लिए चंद मिनटों तक अपनी गाड़ियां रोक दी, जिसके सबब गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त हो गई। आपको बता दें, चीन में पहली बार 200 ड्रोन के जरिए इस तरह की अक्कासी की गई थी, मगर भारत में पहली बार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अर्जुन धवन और पाक सर्कस सर्वजनी उद्यापनी का प्रेसिडेंट गौरव बारी धवन और इनके टीम की मेहनत से डिजिटल रावण न सिर्फ पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तान बल्कि इंटरनेशनल सतह पर अपना नाम दर्ज करवाया है। इस तरह के चित्र देखकर लोगों का दुर्गा पूजा की खुशियां दोबाला हो गई है। आइए सुनते हैं अर्जुन धवन, गौरव धवन, बिजली रहमान समेत दिगर लोगों ने क्या कुछ कहा। ये तो माता रानी की कृपा है, मैं कहने वाला क्या हूँ, ये पब्लिक कहेगी उनको कैसा लगा जिनके लिए ये शो था। अच्छा। मैं धन्यवाद कहता हूँ सबको, आप लोग सबको आने के लिए। ये हमारी 6 महीने की मेहनत है। मैंने ये चाइना में एक्सपीरियंस किया था शो, चाइना में वी सॉ दैट चाइनीज न्यू ईयर एंड ड्रैगन बोट फेस्टिवल ऑल वर सेलिब्रेटेड दिस वे। पिछले हफ्ते सैटरडे के दिन न्यूयॉर्क में इलेक्शंस में ड्रोन शो की यूज़ हुई। सो वी वांटेड टू डू दिस एज 83 इयर्स ओल्ड पूजा कमेटी, पार्क सर्कस दुर्गोत्सव, सर्वजनी दुर्गोत्सव उद्दीपानी का नाम से, हमारे बंगाली का एक लाइन है, उद्दीपानी नूतन उद्दीपना। हम कुछ नया करना चाहते थे, उस नया करने की चाह से हमारे दिमाग में ये आइडिया आया। हमने ईस्टर्न कमांड को अप्रोच किया, उन्होंने जो अपने डिफेंस के ड्रोन बनाते हैं बॉट लैब डायनेमिक, उसके साथ कनेक्ट कराया। व्हेन वी गेव देम दिस चैलेंज दे एक्सेप्टेड इट। फिर हमने हमारी टीम के साथ बात की, हमारी विमेन विंग ने बोला धुनुची डांस होना चाहिए, हमारे सीनियर मेंबर्स ने बोला ढाक बजाना होना चाहिए, और मैं बचपन में रामलीला में एक बानर का रोल किया था, तो वो चीज़ मुझे आज भी याद है। तो मैंने कहा रावण दहन होना चाहिए। विजया जो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, जहाँ सत्य की जीत होती है असत्य पे, उसका हम एक नेशनल या इंटरनेशनल टैग बनाना चाहते थे, शुभ विजया। ब्लेस्ड विद अ वेरी बिग पार्क, ये पार्क ऐसा हार्ट ऑफ द सिटी मेरे ख्याल से और कहीं नहीं है इंडिया में। तो इस पार्क को यूटिलाइज करने के लिए हमने एक सर्वे कराया, इसकी एक ग्रिड मैपिंग कराई, जियो फेंसिंग कराई। ये हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, क्योंकि एक भी ड्रोन इधर या उधर नहीं जा सकता या पैटर्न चेंज नहीं हो सकते। इसकी एक मिनिमम बैटरी लाइफ है, 200 मीटर में हमने ये एक शो करवाया। तो ये चीज़ हम प्रेरित हुए इंटरनेशनली, बट हमने ये बंगाल में मेक इन बंगाल कर दादा, ये हैप्पी दुर्गा पूजा से लेकर के दिखाया गया कि रावण का भी आप लोगों ने ये किया है, ये सब कॉन्सेप्ट है तरह तरह का, उसमें त्रिशूल का नवरात्रि में हर एक स्टेट का अलग होता है, जैसे गुजरात गरबा मनाता है, हम दुर्गा पूजा को एक उत्सव की तरह मनाते हैं, खाना पीना मेला रौनक लगा रहता है चारों तरफ। तो हम ये उत्सव में सारे जात धर्म भूल के एक साथ भाई होके इसको उत्सव को और अनोखा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था हमने, तो हमने ये चीज कर दिखाई। मैं क्षमा चाहूंगा अगर कोई निराश होके गया, नहीं लेकिन आज खुश हो गए, बट माता रानी की जिस दिन कृपा थी उसी दिन होगा, मैं इस पे विश्वास करता हूँ। ये मैं कुछ भी नहीं, ये आइडिया मुझे प्रेरित किया मेयर साहब ने, जब मैंने मेयर साहब को ये आइडिया दिखाया, उन्होंने मुझे और उत्साह और उल्लास दिया और जोश दिया, बोला कर दिखाओ दादा, ये इंटरनेट, उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बंगाल की जो मुख्यमंत्री मैडम है, जो उन्होंने जैसे बंगला दिवस निकाला
इसको बहुत ही प्रेरित चीज है। नवो वर्षो और बिजोया दो दिन हम बंगालियों के लिए, मैं एक बंगाली हूँ, मैं बंगाल में बॉर्न ब्रॉटअप हूँ, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना लिटिल योगदान, माई स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को टैग में कैसे जोड़ सकता हूँ, विजया को इंटरनेशनल कर दे, और आज हो गया, मेरा ये मानना है। आने वाले साल में क्या देंगे? आई एम जस्ट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट इट इज। लोगों के दरमियान में खुशी का माहौल रहा है, क्या कहेंगे? नमस्कार, सबसे पहले शुभ विजया, नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। माता का आशीर्वाद है, 600 ड्रोन उड़े और रावण वध हुआ, इससे अच्छा क्या हो सकता था। ये आपका दुर्गा पूजा कमेटी, ये पहली बार इस तरह का बंगाल में, हिंदुस्तान में देखा जाएगा, ये विश्व का पहला रावण है ड्रोन के थ्रू, तो हमें बड़ी खुशी है। 5 किलोमीटर के रेडियस में शहर में आप कहीं पे भी किसी भी खिड़की में चले जाइए, आपको रावण दहन होते हुए दिखे, माँ दुर्गे की मूर्ति दिखे, परिक्रमा दिखे, इससे अच्छा क्या चाह सकते हैं। आज हम सातवें आसमान में है इस ड्रोन के वजह से, माँ का आशीर्वाद है, नहीं तो पीछे कुछ दिनों बारिशें भी हुई, क्लाउडी भी हो गया वेदर, बहुत रकम की चैलेंजेस आए, वजह से कल नहीं हो पाया जी, लेकिन हम मानते हैं सर, जो माँ करती है अच्छा करती है और बेस्ट इंटरेस्ट में होता है, माँ की मर्जी के आगे हम सब के हाथ में कुछ नहीं। तो ये अपने आप में एक यूनिक बन गया, अगले साल क्या देने वाले हैं दर्शकों को और दर्शकार्थियों को? ये एक सरप्राइज है, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सम आइडियाज, कुछ हमको उम्मीद है कि हम इससे कुछ और बेहतरीन करके आए, जिससे हमारा स्टेट, हमारा बंगाल का नाम रोशन हो, हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारी संस्कृति सब तक पहुंचे, इससे अच्छी चीज और क्या। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं गौरव बारी धवन, उद्दीपनी क्लब का पाठ्यक्रम सर्जोनी दुर्गोत्सव कमेटी का प्रेसिडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सा चैनल नाराज हो गया था, बहुत सा चैनल बहुत उल्टा बात करके गया था, लेकिन हम लोग ने हाल नहीं छोड़ा, चैनल को लोग चैनल को दिखाने के लिए आज किए। नहीं नहीं, चैनल को दिखाने के लिए, ये तो हम लोग का प्रोग्राम ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हुआ है। कैंसिल होने का वजह से तो बहुत सारा बात करना पड़ेगा, आज उसको हम लोग करके दिखा दिए जो हम लोग कर सकते हैं। कल जो हुआ था एक एक्सीडेंट का, आज उसको हम लोग 100% सक्सेस किए, ये आप लोग भी बता पाइएगा किस हिसाब से आज का होगा ये सक्सेस हुआ। आदमी को हम देख रहे थे, कल से आदमी कम था, तो देख रहे थे सभी आदमी के अंदर बहुत ज्यादा जोश था, और सब आदमी बहुत खुशी खुशी देख के, इतना खुशी हुआ जो बोल रहा था आर एक तो शो करने के लिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इफ पॉसिबल तो वो भी 2-4 दिन के अंदर, और एक तो शो हम लोग का करने का इरादा है। आज का ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, पर आसमान पर दुर्गा माँ को देखा गया? अति सुंदर, जिंदगी में इतना अच्छा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, मतलब जैसे बच्चा, मतलब आई वाज, मेरे को लग रहा था कि मैं बच्चा हूँ और लाइटों का शो देख के मैं खुश हो रहा था, कभी नहीं देखा ऐसा, बच्चे जैसे सोचते डिज्नीलैंड देखना, मेरे लिए वैसा दृश्य था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे कोई राम जी आके रावण को ऐसे मार सकते हैं, ऐसा कभी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं, और इतना सुंदर कि क्या वर्णन करूं आपको, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लोग डिज्नीलैंड जाने का ड्रीम करते हैं, हम लोग ये देख के हमको तो लगता है डिज्नीलैंड को भी बीट किया गया है। हाँ, ये बहुत सुंदर है, ये दुर्गा पूजा में 4 चांद लगा दिया पूरा, मैंने मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई रोनाल्डो को बुलाता है, कोई डिज्नी वर्ल्ड बनाता है, क्या बनाए, ये देखो सबसे अलग था, सबने कितना पैसा लगाया, सबने कितना किया, बट कोई भी ऐसा मैजिकल कुछ क्रिएट हुआ नहीं, ये मैजिकल था मेरे लिए। आज दुर्गा पूजा उत्सव का इस नजारा को पहली बार देखा गया, क्या कहेंगे, कैसा लगा? आश्चर्यजनक, एक वर्ड में बोला जाए तो आश्चर्यजनक, उम्मीद से परे, इतना आश्चर्य, मतलब स्टंड, बहुत ही बढ़िया, ऐसा सोचा नहीं था कि आसमान में इस तरह की प्रतिमा देखेंगे, इस तरह का रावण दहन देखेंगे, बहुत ही मजा आया। मैं अपने परिवार को लेकर आया था, मैं कल भी यहाँ आया था बट कल कुछ कारणों से नहीं हो पाया, मगर आज ये जो पार्क सर्कस दुर्गा कमेटी ने और मिस्टर अर्जुन द मैन बिहाइंड दिस, मिस्टर यूनुस जमाल द टीम विद मिस्टर अर्जुन हैव पुट अप दिस ग्रेट शो, मतलब वी कैन सी द एफर्ट दे हैव पुट, मतलब बहुत ही मजा आया, मतलब सोच नहीं सकते थे कलकत्ता में ऐसा कुछ होगा। कि हम बंगाल की बात करते हैं, बंगाल कहते हैं ना वर्ल्ड बाद में करता है मगर बंगाल पहले करता है, जय बंगाल जय इंडिया। बहुत ज्यादा ही मजा आया, हमने ऐसा कभी देखा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, बहुत ज्यादा मजा आया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुभ विजय टू एवरीबॉडी, हैप्पी दुर्गा पूजा, एंजॉय।